अपस्ट्रीम स्पीड दी हुई है, डाउनस्ट्रीम स्पीड दी हुई है, पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड इन स्टिल वाटर। आइदर यू कैन जस्ट रिमेंबर द थ्री कोर्स, दैट इज स्पीड डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला, सेकेंड इज द अपस्ट्रीम एंड थर्ड इज द डाउनस्ट्रीम मोशन। अगर ये तीनों चीज़ें आपको याद है ना, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो बोट्स एंड स्ट्रीम का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग निंजास यूट्यूब चैनल, दिस इज शौर्य गुप्ता और आज हम बात करेंगे अबाउट दिस टॉपिक बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बोट्स एंड स्ट्रीम्स सबसे पहले तो यही है कि भाई एक कोई बॉडी होगी जो कि एक रिवर बॉडी में मोशन कर रही है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि हमारे पास एक बोट है वो एक रिवर में जा रही है, तो दो सिनेरियो हो सकते हैं। आप खुद सोचो, एक रिवर है तो उसका भी कुछ फ्लो होता है ना। ये हमारे पास रिवर है तो ये नेचुरली कुछ लेफ्ट से राइट फ्लो कर रही है या फिर राइट से लेफ्ट फ्लो कर रही है ना। एंड अगर हम बोट को लेफ़्ट टू राइट यानी रिवर के साथ मूव कराएं, रिवर के फ्लो के साथ, तो उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम मोशन। एंड अगर हम उसको अगेंस्ट मूव कराएं रिवर के स्ट्रीम के मोशन के अगेंस्ट, तो उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम मोशन। मेन कंसेप्ट यही है इस टॉपिक का। आपको ये समझ में आ गया कि अपस्ट्रीम मोशन क्या होता है, डाउनस्ट्रीम मोशन क्या होता है, इसमें कैसे स्पीड कैलकुलेट होती है और इसमें कैसे स्पीड कैलकुलेट होती है, आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है कंसेप्ट में एक टर्म, स्टिल वाटर। स्टिल वाटर होता है कि अगर कोई वाटर बॉडी फ्लो नहीं कर रही है। सपोज़ अगर मैं कहूँ कि एक ग्लास में मैं पानी रख दूँ, तो वो एक तरीके से अगर आप उसको बहुत बड़े स्केल पे ले जाओ तो वो वाटर मूव नहीं कर रहा है, वो वहीं रखा हुआ है जब तक आप उसे मूव नहीं करा रहे हो। अंदर भी उसके मॉलिक्यूल्स नहीं मूव कर रहे हैं जब तक कि आप उसे पुश नहीं करोगे या कुछ फोर्स नहीं लगाओगे। सो वाटर बॉडी दैट इज नॉट फ्लोइंग, दैट इज अ स्टिल वाटर। नेक्स्ट इज अ स्ट्रीम। अब टॉपिक में दो वर्ड हैं, एक बोट एक स्ट्रीम। बोट हमें पता है, स्ट्रीम नहीं पता। तो स्ट्रीम होता है फ्लोइंग वाटर एट अ सर्टन स्पीड। तो आपके पास रिवर है, आपके पास सी है, आपके पास ओशंस हैं। ये जो वाटर फ्लो कर रहा है ना किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे, तो उस फ्लोइंग वाटर को हम कहते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम इज अ वाटर बॉडी इन मोशन। सो अपस्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम का मैंने आपको अभी बताया था कि सपोज ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है हमारे पास कुछ, यहाँ से एक हमारे पास रिवर आ रही है, ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है पानी, वहाँ से निकलता है नीचे हमारे पास प्लेन्स तक आता है। तो ये एक रिवर आ रही है ना। अब आप ठहरे एडवेंचरस, आपने कहा हम लोग तो राफ्टिंग करेंगे। नाउ राफ्टिंग करो या फिर आप कुछ भी करो, आपने पकड़ ली कोई एक बोट बनाई, आप इंजीनियर भी हो, आपने एक बोट बनाई, आपने कहा कि आई एम गोइंग टू गो अगेंस्ट द मोशन ऑफ द रिवर। रिवर आ रही है, ये वाटर बॉडी फ्लो कर रही है पहाड़ों से नीचे, मैं पहाड़ों की तरफ जाऊंगा ग्लेशियर पे। तो अगर आप प्लेन्स से पहाड़ों पे जा रहे हो, यू आर गोइंग अपस्ट्रीम। अब वहीं अगर आप बात करो कि भाई आपको ना मेहनत नहीं पसंद, आपको आराम पसंद है, तो आप क्या करोगे कि भाई ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ग्लेशियर से जो नीचे तक हमें हाइट डिफरेंस मिल रहा है उसका इस्तेमाल करते हैं, एंड स्लोप से या फिर इस रिवर से हम लोग आते हैं बोट पकड़ के फ्रॉम अप द टॉप ऑफ द माउंटेन टू द प्लेन्स, देन दैट इज कमिंग डाउन, दैट इज डाउनस्ट्रीम मोशन। तो माउंटेन वाला एग्जाम्पल याद रखना, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी उसके बाद अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में। नाउ टॉकिंग अबाउट स्पीड्स, तो आपको यू हैव टू गो अगेंस्ट सम फोर्स, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक तो उस फोर्स को आपको टैकल करना पड़ेगा, जब आपने उसको टैकल कर लिया फिर थोड़े हाथ पैर और मारोगे तब जाके आप और आगे बढ़ पाओगे। इन अपस्ट्रीम मोशन इफ वी हैव द स्पीड ऑफ द बोट एज एक्स किलोमीटर्स पर आवर एंड द स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर्स पर आवर, देन वी हैव अपस्ट्रीम स्पीड एज एक्स माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। And in the case of downstream, we have the stream already pushing us, applying force on our boat, moving, help us move forward. That is why we have downstream speed as x plus y kilometers per hour. Now talking about a lot of formulas, बहुत सारे formulas के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से कि पहला है the speed of the boat in still water. अगर आपको अपस्ट्रीम स्पीड गिवन है, डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन है, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर में अगर आपसे पूछूं तो वो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर मेरे को पता है अपस्ट्रीम स्पीड जो होती है, दैट इज़ अगर मैं कहूँ कि भाई x इज माई बोट स्पीड इन स्टिल वाटर एंड y इज़ द स्ट्रीम स्पीड, तो s अप इज नथिंग बट x माइनस y एंड s डाउन इज नथिंग बट x प्लस y। तो s अप और s डाउन को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा 2x, है ना, एंड 2x को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा x, यानी स्पीड ऑफ द बोट। तो स्पीड ऑफ द बोट विल बी नथिंग बट half of speed of upstream and the speed in downstream। एक ये हो गया,
दूसरा होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी सेम आ जाएगी अगर आप इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो ना कि ऐड करो, तो दैट विल बी हाफ ऑफ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड इन अपस्ट्रीम। तो ये दो एक ऐसे फॉर्मूलाज थे, एंड इसके साथ साथ और भी फॉर्मूलाज हैं जो कि अब हम आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट इफ अ मैन कैन रो एक्स किलोमीटर्स पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर स्पीड हमें पता है मैन के रो करने की या फिर किसी भी बॉडी के मोशन में होने की उस स्ट्रीम में, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज वाई किलोमीटर्स पर आवर, देन इफ द मैन रोज द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन, एक ही डिस्टेंस डी को सपोज वो अप एंड डाउन रो करता है, द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू अपस्ट्रीम स्पीड इनटू डाउनस्ट्रीम स्पीड अपॉन द स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस वाई और या फिर एक्स प्लस वाई इनटू एक्स माइनस वाई अपॉन स्पीड इन स्टिल वाटर, दैट इज एक्स। तो ये फॉर्मूला आपका कुछ है, इसकी डेरिवेशन आप ट्राई कर सकते हो, बट आई वुड से कि भाई आप डायरेक्टली इसको या तो यहाँ पे देख लो या फिर इसको समझ लो कि कैसे आया, तो बेटर रहेगा कि आप सीधा इसको याद कर लो, तो वो बेटर है, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट इफ अ मैन कैन रो एट एन एक्स स्पीड इन स्टिल वाटर एंड इन स्ट्रीम की स्पीड उसकी जो है स्ट्रीम की वो है वाई किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स हिम टी आवर्स मोर टू रो अप दैन टू डाउन for the same distance, then the distance is given by this equation, that is x square minus y square times t divided by 2 times y, ठीक है? ऐसे अगर if a man can row x kilometers per hour in still water and the speed of stream is y kilometers, it takes him t hours to reach a place and return back to the starting point, then the distance is given by x square minus y square into t, but यहाँ पे आ जाएगा 2 times x than y, ठीक है? Last concept is that boat covers certain distance in downstream t1 time and the same distance upstream in t2 time. The speed of the stream y is then the speed of the boat in still water. कि y क्या है यहाँ पे, y will be basically so t1 plus t2 over T2 minus T1, ठीक है? So the boat covers this certain distance in T1 downstream and upstream में T2, the speed of the stream is then the speed of the water, ठीक है? Now we'll talk about a lot of questions, 5-6 questions करेंगे, इसमें से कि एक आपको खुद solve करना होगा, that will be your assignment and उसका answer जो होगा आपको comment करना होगा in the comment section. सबसे पहला क्वेश्चन है दैट द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर हमें दी हुई है, दैट इज 5 किलोमीटर्स पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट जहाँ भी मिल जाए ना कुछ ऐसा आपको वर्ड इंडिकेटिव मिल जाए कि अगेंस्ट है या फिर रेजिस्टिव है या फिर ऐसा कुछ अगेंस्ट जैसा मिल जाए ना, तो वही आपको इंडिकेशन हो जाना चाहिए कि दैट इज अ अपस्ट्रीम मोशन, अपस्ट्रीम मोशन हो रहा है वहाँ पे, अपस्ट्रीम जा रही है हमारी बोट। तो अपस्ट्रीम स्पीड हमें दे रखी है एस UP as 3 kilometers per hour, and हमें still water speed पता है, that is x, that is 5 kilometers per hour. अब क्या बचा इसमें हमें पूछ क्या सकते हैं, वो हमें यहाँ पे पूछा है the speed of the stream. So हमें formula याद है that speed in upstream is nothing but the speed of the boat minus that of the stream, right? तो 3 is equals to x, that is the speed of the boat in still water, that is 5 minus y, and y यहाँ से आप calculate करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 kilometers per hour. So the speed of the stream is nothing but 2 kilometers per hour. यहाँ पे आपको क्या देखना था इस question में, कि आपको ये judge करना था कि क्या boat हमारी upstream जा रही है या downstream जा रही है, वो आपको क्या बताएगा, वो आपको ये जो टर्म होती है ना अगेंस्ट, विद द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो, रेजिस्टिव, ये सब आपको बताएंगे कि भाई कहाँ कैसी मोशन हो रही है हमारी, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट अ मैन रोज डाउनस्ट्रीम एट 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे तो क्लियरली बोल रखा है जी डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो आपकी है 20 किलोमीटर पर आवर, राइट? एंड अपस्ट्रीम स्पीड जो है यहाँ भी क्लियरली बोल रखा है एस अप इज 15 kilometers per hour. Now it is asked at what speed can he row in still water. Upstream speed दी हुई है, downstream speed दी हुई है, पूछा गया है कि what is the speed in still water.
Now there are two ways you can approach this. Either you can just remember the three cores, that is speed, distance, time formula. Second is the upstream and third is the downstream motion. अगर ये तीनों चीज़ें आपको याद है ना, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो बोट्स एंड स्ट्रीम का, ठीक है? तो पहले इसके हिसाब से चलते हैं. तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम मेरे को पता है, मेरे को फॉर्मूले नहीं याद रखने, मेरे को बस ये तीनों कंसेप्ट याद रखने हैं, ये तीनों कंसेप्ट अच्छे से समझने हैं. तो मेरे को उससे ये पता है कि स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई. जब अगर मेरी एक्स जो है दैट इज़ द स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर स्पीड, एंड वाई इज मेरा स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है? ऐसे ही अपस्ट्रीम के लिए मेरे पास आती है एक्स माइनस वाई की इक्वेशन, है ना? मेरे को ये दोनों याद हैं यहाँ से. अब बाकी मैं डिराइव करूँगा. बाकी डिराइव कैसे करूँगा? स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम पता है, तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15. नाउ वॉट इज आस्ड? आई एम आस्ड वॉट इज द स्पीड इन स्टिल वाटर. तो स्टिल वाटर स्पीड क्या है? एक्स. तो अब आपको दो आपके पास इक्वेशन हैं इन टू वेरिएबल्स, आपको उनको सॉल्व करना है फॉर एक्स. तो इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास आएगा 2x इज इक्वल्स टू 35 एंड दैट इज x इज इक्वल्स टू 17.5. 17.5 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. तो देखा, एक तरीका इसका था कि या तो आपको बेसिक कंसेप्ट याद हो, ये जो तीन कंसेप्ट है ना, अगर आपको ये तीनों कंसेप्ट याद हैं आपके, स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला, अपस्ट्रीम में क्या स्पीड होती है, डाउनस्ट्रीम में क्या स्पीड होती है, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो. आपको सिंपल फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है जो हमने अभी डिस्कस करे थे. सो नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सिंपल सा है कि भाई अ मैन स्विम्स 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. डिस्टेंस गिवन है डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस. तो डी इज 12 किलोमीटर्स एंड अपस्ट्रीम जाता है 10 किलोमीटर्स में. सो डी अप इज 10 किलोमीटर्स. नाउ इफ ही टेक्स 2 hours टू ईच टाइम, हर राउंड में, हर उसको उस जर्नी में उसको 2 घंटे लगते हैं, तो टी डी इज इक्वल्स टू टी अप इज इक्वल्स टू 2 hours. सो वॉट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? स्ट्रीम की स्पीड हमसे पूछी है. अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली स्पीड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, आप निकाल सकते हो उसको. स्पीड इन अपस्ट्रीम इज नथिंग बट 10 किलोमीटर्स ओवर 2 hours, दैट इज 5 किलोमीटर्स पर आवर. एंड स्पीड इन डाउनस्ट्रीम इज 12 ओवर 2, दैट इज 6 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, अपस्ट्रीम स्पीड आ गई. अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यूज करा था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की है 6 किलोमीटर्स एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स. जैसे हमने उस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा था, ये कहाँ से आई थी? x है हमारा स्टिल वाटर स्पीड एंड y है हमारा इस स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है, है ना? वही बेसिक कंसेप्ट है. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, स्पीड डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला, अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला, डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला, एंड फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दीज टू इक्वेशंस. नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दैट अ बोट कवर्स 800 मीटर्स इन 600 सेकेंड्स. ठीक है, यहाँ मीटर्स में है और सेकेंड्स में है. 800 मीटर्स कवर करता है 600 सेकेंड्स में. अब क्वेश्चन ये है कि डाउनस्ट्रीम करता है या अपस्ट्रीम करता है. तो आगे पढ़ते हैं, अगेंस्ट द स्ट्रीम, नॉट अलॉन्ग द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम. तो पता चल गया भाई ये मोशन जो है दिस इज अपस्ट्रीम मोशन, नॉट डाउनस्ट्रीम मोशन. ठीक है, सो अपस्ट्रीम आ गया बिकॉज अगेंस्ट द स्ट्रीम है एंड रिटर्न्स डाउनस्ट्रीम इन 5 minutes. नाउ डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, यहाँ पे बता दिया 800 मीटर्स ही हैं एंड आपको टाइम बता दिया अपस्ट्रीम के लिए, दैट इज 600 सेकेंड्स, है ना? मीटर्स पर सेकेंड में चलते हैं, आसान रहेगा. एंड हमें डाउनस्ट्रीम का टाइम पता है, दैट इज 5 × 60, दैट इज 300 सेकेंड्स. नाउ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. आपको इजी कुछ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए क्या कर रखा था, आपको टेस्ट करने के लिए कि आपके माइंड का प्रेजेंस कितना है, कि आपको अलग अलग यूनिट्स में दे रखा था. आपको पहले एक तो मीटर्स में दे रखा था, देन आपको सेकेंड्स में दे रखा था एंड देन आपको मिनट्स में दे रखा था. द क्रक्स हेयर वॉज टू कैच दिस एंड टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन टू मीटर्स एंड सेकेंड्स. देन यू विल हैव स्पीड इन अपस्ट्रीम मोशन, दैट विल बी एस यू पी इज इक्वल्स टू डी बाई
टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम एंड एस डी दैट इज डी ओवर टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम। एंड ये एक बारी आपके पास आ गए, इसके बाद अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द कंसेप्ट्स दैट अपस्ट्रीम इज एक्स माइनस वाई एंड डाउनस्ट्रीम इज एक्स प्लस वाई, जहाँ पे x अब तक जो हम बात करते हैं x इज़ द स्पीड इन स्टिल वाटर एंड y इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो अब आप इन दोनों फैक्टर्स को निकाल सकते हो एंड दोनों को आप आंसर में रिपोर्ट कर सकते हो। तो जैसा कि पूछा गया व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। सो फिफ्थ क्वेश्चन सेज दैट अ मैन रो अ बोट एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर इन स्टिल वाटर, दिस इज द स्टिल वाटर स्पीड दैट इज x। नाउ इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर्स पर आवर, यार ये तो आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, हमें स्ट्रीम की भी स्पीड दे दी, उसकी मैन की भी स्पीड दे दी, अब क्या आगे क्या होने वाला है अब देखते हैं क्वेश्चन में। सो इट इज आस्क्ड इन व्हाट टाइम ही कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम। कुछ नहीं करना, डरना नहीं है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना, मेन चीज़ है आपको दोनों की स्टिल वाटर की और स्ट्रीम की स्पीड गिवन है। मेरे को इतना पता है, मेरे तीन कंसेप्ट मेरे को इतना बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड सबसे पहले कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज़ x प्लस y, हमारे पास वो आ जाएगी 25 किलोमीटर्स पर आवर। सो एक बारी मेरे पास डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई, ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूलाज लगाऊंगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना, एंड इसके ज़रिए मैं टाइम निकाल लूँगा 75 किलोमीटर्स को कवर करने का यूजिंग 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड। सो टाइम विल बी नथिंग बट डिस्टेंस ओवर स्पीड एंड डिस्टेंस है 75 किलोमीटर्स पर आवर एंड दैट वी हैव टू कवर विद 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 3 आवर्स। सो इट विल टेक अस 3 आवर्स अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से चलते हैं डाउनस्ट्रीम। सो याद करो मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया जाएगा, सो दिस इज द क्वेश्चन, द सिक्स्थ क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू एज एन असाइनमेंट एंड उसका आपको आंसर लास्ट में कमेंट करना है इन द कमेंट सेक्शन। सो द क्वेश्चन इज दैट द वेलोसिटी ऑफ अ बोट, एक बोट है उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कोई नई टर्म है, इसको समझने की कोशिश करना, दैट द वेलोसिटी ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर्स पर आवर। जहाँ आपको ना समझ में आए ना किसी भी शब्द का मतलब एक क्वेश्चन में, तो ट्राई टू गेन सम इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि भाई वेलोसिटी बोली ही है, ठीक है, इसकी मेरे को क्वांटिटी की, इस क्वांटिटी की वैल्यू मेरे को यहाँ पे बता दी है एंड इसके मैं यूनिट्स अगर देख लूँ तो मेरे को पता चलेगा वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे ये लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, स्पीड, दैट इज किलोमीटर पर आवर की यूनिट है, इट मस्ट बी स्पीड, है ना। तो डरो मत वेलोसिटी देख के, तो वेलोसिटी ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर्स पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, देखो इन्होंने यहाँ पे दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, वेलोसिटी और स्पीड, तो इसको डरना नहीं है, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्टिल वाटर स्पीड है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू गो 9.1 किलोमीटर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब मैं आपको इसमें ये नहीं बताऊंगा कि अपस्ट्रीम जा रहा है डाउन स्ट्रीम जा रहा है, आप एक बारी देखो उसको कमेंट करो, फिर उसके बाद उसका आंसर कमेंट करना कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू गो 9.1 किलोमीटर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम। सो अगर आपको और जानना है एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के बारे में, सो डू चेक आउट द कोडिंग निंजास कोर्स ऑन एप्टीट्यूड प्रिपरेशन फॉर प्लेसमेंट्स। एंड यार अगर आप इस वीडियो पर नए हो ना, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द कोडिंग निंजास यूट्यूब चैनल एंड वो बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।